दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं सोमानी हुंडई शिवाजी नगर पुणे। हमारे सामने है सबकी पसंदीदा एसयूवी हुंडई क्रेटा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स और प्राइजेस के बारे में। हुंडई क्रेटा अवेलेबल है 28 वेरिएंट्स में। इसके साथ ही आते हैं पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सीवीटी, ऑटोमेटिक टीसी, ऑटोमेटिक डीसीटी में। क्रेटा का बेस वेरिएंट है क्रेटा E1.5 पेट्रोल। बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 11 लाख रुपीज। इस लाइनअप का टॉप वेरिएंट है हुंडई क्रेटा SXO 1.5 टर्बो डीसीटी। टॉप वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 20.15 लाख रुपीज। हमारे सामने है हुंडई क्रेटा SX 1.5 पेट्रोल। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 15.27 लाख रुपीज। अब हम बात करने वाले इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। बहुत बढ़िया और स्टाइलिश फ्रंट लुक्स के साथ ये कार आती है। हुंडई का लोगो, क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल मिलता है, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED कनेक्टेड मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। अब हम बात करने वाले इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। 17 इंच के बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश अलॉय व्हील्स आपको इस कार में मिलते हैं। फ्रंट और रियर टायर के साइज है 215/60 R17 की। यहाँ पर हम इस कार के टायर साइज भी देख रहे हैं। फ्रंट में आपको मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक्ट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में मिलता है कुपल ट्रॉशन ब्रिम एक्सले सस्पेंशन। फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ ये कार आती है। ORVM आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। ORVM माउंटेड टर्न इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं। यहाँ पर हम इस कार का पूरा सेट प्रोफाइल देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। अब हम चलने वाले इस कार के फ्रंट सीट्स की ओर। डोर की डिजाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड के साथ आपको ORVM मिलता है। ORVM की ऑटो फोल्डिंग फंक्शनिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। लॉक अनलॉक का बटन, विंडोज के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। हुंडई का लोगो आपको स्टीयरिंग के ऊपर मिलता है। अब हम बात करने वाले इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। बहुत ही बढ़िया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस कार में मिलता है। ट्रिप इंटर इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप के साथ मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, TMT क्लॉक डिजिटल मिलती है। इसके साथ ही लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर वॉचर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस के साथ ये कार आती है। शिफ्ट इंडिकेटर आपको डायनामिक मिलता है। टैकोमीटर भी एनालॉग मिलता है। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ये कार आती है। स्टीयरिंग की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। क्रोम फिनिश आपको स्टीयरिंग के ऊपर मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। इंजन स्टार्ट का बटन, एयर कंडीशनर के वेंट्स, हेडलाइट हेड एडजस्टर के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलीस्कोपिक की मिलती है। यहाँ पर हम इस कार की स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले इस कार के एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। इस वेरिएंट में आपको मिलता है 10.25 इंच का बहुत ही बढ़िया टच स्क्रीन डिस्प्ले। वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ ये कार आती है। इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम के साथ 6 स्पीकर्स मिलते हैं। वॉइस कमांड, GPS नेविगेशन, ब्लूटूथ कॉम्पैक्टिबिलिटी, ऑक्सिलरी कॉम्पैक्टिबिलिटी आपको इस कार मिलती है। पार्किंग असिस्टेंस के लिए रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिलता है। यहाँ पर हम रिवर्स पार्किंग कैमरे की फंक्शनिंग देख रहे हैं। वायरलेस चार्जर आपको इस कार मिलता है। बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। AC वेंट्स की डिजाइन काफ़ी स्टाइलिश लगती है। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। आपको इस कार में मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर। हजार्ड लाइट का बटन हम यहाँ पर देख रहे हैं। एयर कंडीशनर के कंट्रोल्स, AC वेंट्स। फ्रंट में आपको मिलता है सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर। सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB टाइप पोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। वायरलेस चार्जर के साथ ये कार आती है। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम आपको इस कार में मिलती है। ट्विन कप होल्डर, पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज आपको इस कार में मिलता है। रियर AC वेंट्स। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। लेदर्स के सीट आपको इस कार मिलते हैं। इस कार की फिट और फिनिश बहुत ही बढ़िया है। मोबाइल रखने के लिए जगह, ग्लू बॉक्स में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। ग्रैब हैंडल की डिजाइन बहुत ही बढ़िया। पैनारोनिक सनरूफ आपको इस कार मिलता है। एयरबैग से कुछ इंस्ट्रक्शन आपको सनवाइजर के ऊपर मिलते हैं। सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर मिलता है। सनग्लास होल्डर, फ्रंट केबिन लैंप्स, ड्राइवर साइड सनवाइजर आपको नॉर्मल मिलता है। इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। इस कार के डैशबोर्ड की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है।
8 वे मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल आपको फ्रंट पैसेंजर सीट मिलता है। अब हम चलने वाले इस कार की रियर सीट्स की ओर, देखेंगे कि आपको रियर सीट्स के ऊपर कितना स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है। फ्रंट सीट की मैनुअल एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस कार की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। रियर में आपको 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं। डोर की इंटरनल डिजाइंस विंडो ब्लाइंडर्स के साथ ये कार आती है। इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। यहाँ पर हम इस कार की पूरी सीटिंग देख रहे हैं। इस कार के सीट्स लेदर से बने हुए हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लेदर्स आपको इस कार में मिलते हैं। रियर पैसेंजर सीट टाइप बेंच वाला मिलता है। यहाँ पर हम इस कार की पूरी डैशबोर्ड की डिजाइन रियर से देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लगती है। इंटीरियर आपको ड्यूल टोन में मिलता है। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिलता है। रियर सीट्स हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। पैनारोनिक सनरूफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। रियर सीट स्प्लिट रेशियो 60:40 का है। ग्रैब हैंडल, केबिन लाइट्स, विंडोज ब्लाइंडर, इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है, एसी वेंट्स, मोबाइल रखने के लिए जगह, सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, बहुत ही बढ़िया लेग रूम के साथ ये कार आती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, यहाँ पर हम इस कार के सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स देख रहे हैं। फ्रंट और रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। ट्विन कप होल्डर के साथ आपको रियर आर्मरेस्ट मिलता है। पार्सल ट्रे की डिजाइन, बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। फ्रंट और रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। हुंडई क्रेटा अवेलेबल है 7 कलर ऑप्शंस में। स्क्रीन के ऊपर हम इसका टाइटेनिक ग्रे कलर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। हेड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश लगती है। रियर में आपको एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। हुंडई क्रेटा में आपको 5 डोर्स मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों के, नंबर ऑफ सीटिंग रोज 2 मिलते हैं। शार्क फिन रूफ माउंटेड एंटीना, रियर स्पॉइलर, स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर के साथ ये कार आती है। कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, हुंडई का लोगो, क्रेटा की बैजिंग, रियर पार्किंग असिस्टेंस कैमरा, नंबर प्लेट्स के लिए लाइट्स, क्रेटा की बैजिंग, टेल लाइट्स की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। एसएक्स की बैजिंग, यहाँ पर हम इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं। रियर रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर्स, 190mm का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिलता है। अब हम इस कार का बूट ओपन करने वाले है। 433 लीटर का बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको हुंडई क्रेटा में मिलता है। यहाँ पर हम इस कार का पूरा बूट स्पेस देख रहे हैं। एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स, बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको बूट में मिलता है। बूट में आपको लाइट्स मिलती है। ग्लॉसरी बैग्स हैंग करने के लिए हुक्स भी मिलते हैं। यहाँ पर हम इस कार का पूरा बूट स्पेस देख रहे हैं। लॉकिंग के अरेंजमेंट, यहाँ से हम इस कार का पूरा इंटीरियर देख रहे हैं। पार्सल ट्रे की डिजाइन, डोर लॉकिंग अरेंजमेंट, डोर हैंडल, डोर को सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मिलता है। यहाँ पर हम इस कार का पूरा रियर प्रोफाइल देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स है। हुंडई क्रेटा की लेंथ है 4.33 मीटर्स, विड्थ है 7.790 मीटर्स, हाइट है 1.635 मीटर्स, व्हील बेस है 2.61 मीटर्स। बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लीवर मिलता है। इसको खींचते ही कार का बोनेट ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। फ्यूल लिड ओपनर आपको यहाँ पर मिलता है। स्क्रब प्लेट्स की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंट्रल लॉकिंग कीलेस मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार में मिलता है। यहाँ पर हम इस कार के पूरे फ्रंट लुक्स देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। टेलीमैटिक्स में फाइंड माय कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंस, इमरजेंसी कॉल मिलता है, ओटी अपडेट्स मिलते हैं। अब हम इस कार का बोनेट ओपन करने वाले है। आपको इस वेरिएंट में मिलता है 1497cc का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वोल्ट DOAC 1.5 MPI पेट्रोल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 113 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 143.8 Nm। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये कार आती है। ट्रांसमिशन मैनुअल 6 गियर्स के साथ मिलती है। इस कार की इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। IDS स्टार्ट स्टॉप आपको इस कार मिलता है। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ ये कार आती है। आपको हुंडई क्रेटा में मिलती है 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। प्रीमियम लुक्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स जनरल मैनेजर जीवन कोरे सर, ऑल द स्टाफ ऑफ सोमानी हुंडई शिवाजीनगर पुणे एंड सोमानी ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोमानी हुंडई शिवाजीनगर पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.